السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما अल्लाहुम्मा अल्ला फ़कहनाफीन आमीन क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ ख़ैरियत से होंगे दुआ तो आसान हम सब को दीन पर बेहतरीन फरमाए कुरान की आयात पर गौर फ़िक्र तफक्कुर तदब्बर और अमल करने वाला बनाए अल्लाह तआला हमारे लिए दीन सीखना आसान फरमा दे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आज का लेसन नंबर 130 है 130 और सुर इब्राहिम की आयत 18 से लेकर 34 तक हैं आइए पहले अल्फाज की वजाहत करते हैं फिर इनशा करेंगे बिसमान इब्राहिम मिसाल ये मुजाफ है अल्लादीना उन लोगों की मुजाफ लई है इस मौसू जमा मुजक्र है कफा रो कुफर किया ये फैलेबाजी जबा जकर गायब है कफ़ारा यकफरू से बस्तर है कुफरन कुफ़र करना बी रबी हिम अपने रब के साथ बी हरफ जर है रबी ये मजरूर और मुज़ाफ़ है और हिम मुज़ाफ़ भी है और मजाफली भी है और ज़मीर भी है आमालु हुम। आमाल हम उनके अमाल आमालु मुज़ाफ़ है और जो हम है वो ज़मीर है करामा राख की तरह यहाँ पे रॉ मीम दाल इसका रूटवड है शुरू में का हरफ तशबी है और हरफ जरबी है ये और रमादिन मजरूर है राख को कहते हैं इशतदत सख्त हो गई यानी बहुत सख्त चली शीन दाल दाल इसका रूटवड है ये फेलेबाजी वाहिद मोनस गायब है इशतद यश्तद्दू से मसर है इश्तदाद उन सख्त होना या बहुत सख्त चलना भी ही साथ इसके अरिहू आंधी के फी यौमिन आसिफिन आंधी वाले दिन में यानी फी यौमिन आसिफिन के मानी होंगे तेज हवा के किसी दिन में क्योंकि अरिहू के मानी आंधी है ना और आसिफ जो है तेजो तुंद हवा को भी कहा जाता है हवा का सख्त झोंका उसे भी कहा जाता है यहाँ पर आसिफिन का रूट बड़ा है आइन सौदफा और यौमिन मजरूर है मसूफ़ है आसिफिन जो है वो सिफत है असफुन से ये इसम फाइल वाहिद मज़क्र है आंधी वाला मुराद ल यकदीरू ना ना कुदरत रखेंगे ना कादिर होंगे काफ दाल रोआ रूटवर्ड है ये फेले बुजारे मनफी जबा बुजकर गायब है कदरा या कदिर से मस्तर है कुदरत कुदरत रखना कादिर होना मिम्मा इसमें से जो कसबू उन्होंने कमाई की ये फेले बाजी जब जकर गायब है कसबा यकसीबू से मस्तर है कसबुन कमाना अला शई इन किसी चीज पर दाली का इसके मानी है ये और जाली का इसम इशारा वाहिद मुजक्कर बैद होता है हुआ वो अदलालु गुमराही दौद लाम लाम रुटवट है ये मस्तर है और मसूफ है अलबाइद जो दूर की है यानी बहुत दूर की ये सिफ है बोद मस्तर से ये सिफत मुशबा है अलम तरा क्या तुमने देखा नहीं यहाँ पे अ हमजामिया है लम तौरा जिसके मानी है नहीं तुमने देखा यहाँ तरा जो है ना वो असल में इसके बाद तरा था यानी रा के ऊपर खड़ा जबर था और छोटी या भी थी लम की वजह से ये या जो है हरफे इल्लत भी है ये साकित हो गई है ये फिलह मु वाहिद मुजक्र हाजिर है रा ये रा से है रु यतुन इन्नल्लाह बेशक अल्लाह खलका उसने पैदा किया असमावाती अर्द आसमानों को और जमीन को बिलहक की हक के साथ इन इसके मानी हैं अगर ये शर्तिया है यशा वो चाहे ये यशाऊ था इन शर्तिया की वजह से इसका हमजा जो है ना वो साकिन हो गया है युज हिब कुम ले जाए तुम सबको जाल हा बस का रूटवर्ड है युज हिब फैले मुजारे वाहिद मुजकर गायब है

अला पर भी अजीजन कुछ मुश्किल कुछ दुशवार आईंजाजा जा रुटवड़ है अजीज़ इन मजरूर है इज्जत उनसे से मुबालगे का सीखा है वाह और ऱू वो बेनिकाब होंगे बारज़ा रुटवड है फिल माजी जमा जक्र ग़ायब है ब रोज़ा याबराजू से मसर है उन जिसके मानी हैं बाहर निकलना ज़ाहिर होना पेश होना लाही अल्लाह के लिए जमीअन सब के सब जम उन से ये बामानी मजमू उन है फ़क तो कहेंगे कमजोर लोग ये जमा है इसके मानी कमजोरों और जहीफों होता है दौद आइन फाइस का रूटवर्ड है और वाहिद है दईफ लिल्ला जिसको उर्दू में ज़ीफ भी कहा जाता है न लिला उन लोगों से इस्तबर जिन्होंने तकबुर किया काफ रूटवर्ड है ये फैलेबाजी जबाब ज़कर गायब है इस तकबर यबरु से मस्तर है इसतिकबार उन तकबर करना बड़ा बनना इन ना बेशक हम कुन्ना हम थे ये फैले माजी जमा मुतकलम है लकुम तुम्हारे लिए तबान ताबे होना पैरवी करने वाले तबून मस्तर से ये इसम फ़ाइल इसम फ़ाइल है ये और इसका वाहिद है ताबुन फ़ तो क्या फ़रफ तफ़ हल ये इस्तफ़ामिया है अन तुम तुम ये ज़मीर है मोगनून बचाने वाले हो काम आने वाले हो ओन नून या ये इसका रूटवर्ड है इगना उन मसर से ये इसम फाइल जमा मुजक्र है अन्ना हमको मिन अजा बिन अजाब से और मिन अजाबिल्ला तो मानी बनेंगे अल्लाह के अजाब से मिनशई इन कुछ भी कालू वो कहेंगे अगर ये शर्तियाँ है हदाना हदाय देता हमको अल्लाह अल्लाह हदा जो है ये फेलेबाजी वाहिद मज़क्र गायब है हदा यादी से मस्तर है हिदा जिसके मानी है हदाय देना ला ना कुम अलबत्त हम भी हदायत देते तुम को रूटवड है हा लिया यहाँ शुरू में ला, ला में ताक़द है उसके बाद हदई ना फलेबाज़ी जम्म है सवा उन बराबर है यकसा है सीन वाव या रूटवड है अलई ना हम पर अजी उना ख्वा हम जजा फज़ा करें यानी ख्वा हम ववेला करें जीन ज आइन इसका रूटवर्ड है शुरू में आ ये हमज इस्तफामिया है उसके बाद है जजीना ये फेरेबाजी जमा मुतकलम है जजिया यजाऊ से मसर जज अम जिसके मानी है वेला करना या बेकरार होना अम या ये हरफ अतफ है सबर ना हम सबर करें फिलेबाजी जमा मुतकलम है ये सोबरा यू से मस्तर है उन सबर करना माल ना, नहीं है हमारे लिए महीसिन कोई पनागा कोई लौटने की जगह कोई भागने की जगह हा सो हा या सोद ये इसका रूटवर्ड है ये ज़रफ़ मकान है व शैतान कहेगा शैतान लम्मा जब ये इसम जरफ है उदिया फ़ैसला कर दिया जाएगा काफ दाल या रुटवट है ये फ़िलेबाज़ी मज़हूल वाहिद वज़कर ग़ायब है कदा यदी से मस्तर है कदा उन फ़ैसला करना अल अलमरु काम का मामले का इला बेश वदा कुम वादा किया तुम से वादा फ़िलेबाज़ी वाहिद वज़कर ग़ायब है वादा यादू से मज़तर है वाद वादा करना कुम जमीर है वाद अलह वादा सच्चा वादा मुजाफ है अलहकी मुजाफली है वा और वत्ता कुम कुम और मैंने वादा किया तुम से यहाँ जो है ना व अतु डालनी पड़ा जाएगा वह अतु ये फेलेबाजी वाहिद मतकलम है वादा यादू से ये इसका मसर है वादुन वादा करना और कुम जमीर है फ अख़लफ कुम तो मैंने ख़िलाफ़ किया तुम से ख़ा लाम फारुटवड है अखलफ ये फिलेबाजी वाहिद मतकलम है अखलफा युलिफु से मज़र है इखलाफ़ उन वदा खिलाफ़ी करना और कुम ये ज़मीर है वबा काना और ना था ली मेरे लिए अलई तुम पर मिन सुल्तान कोई ज़ोर कोई दलील कोई गलबा कोई हजत कोई इख्तियार इल्ला मगर अन ये के अन मसरिया है यहा दाऊतु कुम मैंने बुलाया तुमको दाऊतू ये फेल माजी वाहिद मतक्म है दा यदू से मजदर है दावत उन पुकारना बुलाना दावत देना और कुम जमीर है फस जब तुम ली पस तुमने लब्बे कहा मुझको यहाँ जो है ना इस तजब तुम ये फिलेबाजी जबा मुजकर हाजिर है इस तजाबा यस तजीबो से मसर है इस तज़ाबत मान लेना कबूल करना जीम वाह इसका रूटवर्ड है और ली के मानी है मुझको फला तलुमोनी बस ना तुम मलामत करो मुझे ला मीम इसका रूटवर्ड है ला तल्लुमो ये फेले नहीं जमा मुजर हाजिर है लामा या लूमो से मजदर है लउमन मलामत करना और नून जे नी जो है ना वो नूने वक़ाया है और या साकिन जमीर है वाह और लूमो मलामत करो ये फेले अमर जमा मुज़क्र हाजिर है यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है नफ्सों को मा अना नहीं मैं भी कुम फरियात रसी तुम्हारे लिए फरियादरस रस तुम्हारे लिए यानी मैं तुम्हारे लिए फर्याद रसी करने वाला नहीं हूं अगर ना भी अना से पहले माँ भी साथ में ला लिया जाए ना माँ अना भी मुसरीखी कुम नहीं मैं फरियादरसी रसी करने वाला तुम्हारे लिए इसका रूटवर्ड है सऊदराखा मुसरीखी ये मजरूर है मुजाफ है इस राखुन मसर से इसम फाइल वाहिद मुजक्र है और कुम जमीर है वाबा और नहीं अन तुम तुम बी मुसरीखिया इसके मानी है फरियाद रसी करने वाले मेरे लिए बीमुसरी मजरूर है मुजाफ है असल में ये मुसरीखी ना था इजाफत की वजह से जमा का नून जो है वो गिर गया है और ये बन गया है मुसरीखी इस राखन से ये इसम फाइल जबा मुजक्कर है और या साकििन जो है ना आखिर में याद जबर जो है वो जमीर है इन बेशक मैं कफर तू इनकार किया मैंने ये फेले माजी जमा मुतकलम है कफरा यकफरू से मस्तर है कुफरन कुफर करना इनकार करना बिबा साथ उसके जो अशरक तुमूनी तुमने मुझे शरीक बनाया शीन रॉक का फ्रूटवड है अशरक तुम फेलेबाजी जमा मुजक्र हाजिर है अशरा का युशू से मस्तर है इशराक शरीक बनाना साकिन जो है वह शबा का है और नून से नी नूने वकाया है या साकिन जो है वो हजफ हो गया है और वो जमीर है मिन कबलू इससे पहले इेशक अजॉलमालिम लोक ये जुल्म मबा मुजक्कर है इसका वाहिद है जॉलीम लहुम उनके लिए अजाबुन अलीम अजाब है दर्दनाक अजाबुन मसूफ़ है अलीमल मसर से इसम फाइल फ़ायल सफ़तमशब है वाह और उद ख़िला दाखिल किए जाएंगे ये फैल माजी मजहूल वाहिद मज़क्र गायब है अद ख़िलाऊ से मसर इद ख़ाल दाखिल करना अल्लादीना वो लोग आमनू जो ईमान लाए पहले गुजर चुका है फेले माजी जमा जक्र गायब है ये आ माना युनू से मसर ई इमान लाना इमां और आमिलू उन्होंने अमल किए ये फेले माजी जमा है आमिला ये आमालु से मसर अमल अमल करना असली अच्छे सलाह मसर से ये इसम फाइल जमा मुनस है वाहिद सलिहत यानि नेक जन्नातिन बागों में इसका वाहिद है जन्ना तजरी बहती हैं ये फेले मुजारे वाहिद मनस गायब है जरा जजरी से मसर है जरियान बहना मिन तहती हा इन नीचे से तहती मजरूर है मुजाफ है और हा मुफिल और ज़मीर है अल अलहार नहरें इसका वाहिद है नहरुन खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं ख़लूद मसर से ये इसम फ़ाइल जमा मुजक्र है इसका वाहिद खालिदुन फ़ीहा इन में बे इदनी रबीम अपने रब के इज़न से इज़नी मजरूर है हम दुआ खैर उनकी हाह या या रुटवड़ है तहियतु मस्तर है मस्तर हयातुन से माखूज है फीहा इसमें इस सलाम उन सलाम से होगी यानी इसके मानी है सलाम सलामती ज़ाहरी और बातनी आफतों से अलग रहना और यह मस्तर है अलम तरा क्या तुमने देखा नहीं कैफ़ा किस तरह ये फामिया है दौर बयान की अल्लाह ने यह फेलेबाजी वाहिद मज़क गायब है दौरा बदरीबु से मस्तर है दरबुन मारना बयान करना अल्लाह अल्लाह कलीमातान तोयन बात की कलीमा तन मसूफ है तोयन तोबन तयब तो से सिफत मुशबा वाहिद मानस है का शातिन तोयन पाकिजा दरख्त की तरह असलू असलू हा, हा मा के मानी है जड़ इसकी और इसका रूट रूटवर्ड है हमजा स्वादलाम असलू मुजाफ है इसका इसकी जमा होती है असूल और हा मुजाफ और जमीर है साबित मानी है मजबूत साबित मोहकम साबाता इसका रूट वर, रूट वर्ड है और सबातुन और सबूतुन से ये इसम फाइल वाद मुजक्र है वर उ इसकी शाखें फरू जो है ये मुजाफ है इसकी जमा होती है फरून यानी हर चीज का बलाई हिस्सा फिर समाई आसमानों से वो देता है ये फेल मुजारे वाहिद मुनस्ब है उकुलू हा उकुला हा के मानी है अपना फल उकुला मुजाफ है और हा और जमीर है कुल्ला हर वक्त हर आन कुल्ला ये मुजाफ़ है और हीन इन लई है बी इज्न हा अपने रब के इज़न से वाह और यदरीब्लाु बयान करता है अल्लादरीबू फिल मुज़ारे वाहिद मुज्र गायब है दौरब यदरीबू से मजदर है दरबुन बयान करना अल अलमसाल मसाले मिसालें इसका वाहिद है मिसलुन नासी लोगों के लिए लाला शायद के वो ला हरफे मुशबा बिल फैल है।, है या तजक वो नसीहत पकड़ें ये फेले मुजारे जमा गायब है राज या रू से मसर है तजक नसीहत हासिल करना व और मसल मिसाल कलीमतिन सतिन नापाक कलमे की यहाँ पे ख़बीसातिन जो है उसका रूटवर्ड है ख़ा बासा खूबसून से ये सिफत मुशबा वाहिद मानस है का शाहरातिन मानी दरख्त के का हरफ तशबी है और हरफ जरबी है शाह रातिन मजरूर है मसूफ़ है और ख़बीसतिन जिसके मानी है नापाक ये उज तुस्त जिसके मानी है उखाड़ा गया इसका रूटवर्ड है जीम सा सा ज तुस्त उखाड़ा गया ये फेले माजी मजहूल वाहिद मोहन स्वाब है शुरू में पेश है ना इसलिए मजहूल है यज से मसर है इजत जिसके मानी है उखाड़ना मिन से फौक अर्दी जमीन के ऊपर फौकी मजरूर है मज़ाफ है अल अर्दी मज़ाफ मुजाफली है मां नहीं ये नाफिया है ल इसके लिए यहाँ पे ला हरफ़ जा रहा है और हा जो है वो मजरूर है और ज़मीर है मिन क़रार कोई करार रूटवर्ड है युसब भी तो साबित रखता है अल्लाह सा रूटवर्ड है भी तो फेले बुज़ारे वाहिद मुजक्र गायब है सब सब्बाता यूसब भी तो से मसर है तस्बीत साबित रखना साबित क़दम रखना कायम रखना अल्लाह अल्ला दीना उन लोगों को जो ये इस मसूल जमा मुज़क्र है आमनु जो ईमान लाए ये फेल माजी जमा मुजक्र गायब बिल कौली साबित पुख्ता बात के साथ साबित बात के साथ बी हरफ जर है अलौली मजरूर है मसूफ़ है असाबित सिफत यानि महकम मजबूत पुख्ता फ़िलहती दुनिया दुनिया की जिंदगी में फ़ी हरफ जर है हयाती मजरूर और मसूफ़ है अदुनिया सिफत है वाह और फिल आखिरौती आखरत में वाह और युद्ल अल्लाह गुमराह करता है युद्लु फ़िल मुजार वाहिद मुजक्र गायब है, अदल युद्ल से मस्तर है इदला गुमराह करना अल्लाह अल्लामीना जालिमों को जुल्म मस्तर से ये इसम फ़ालल जमा मुजक्र है इसका वाहिद होता है व और यु करता है अल्लाह अल्लाफ़ालु फ़ेल मुजार वाद है फ़ाल यु से मसर है फी काम करना अल्लाह अल्लाह मा जो यशाऊ वो चाहता है ये फेले मुजार वाद है गब यशाऊ से मसर है मशियात जिसके मानी है चाना अलम तरा क्या तुमने देखा नहीं पहले आ चुका है इल्ला उन लोगों की तरफ बदलू जिन्होंने बदल दी बादलाम रूटवर्ड है ये फेले माजी जमा मुजकर गायब है बदला यू से मस्तर है तब्दील बदल देना नियमत अल्लाह ही अल्लाह की नेमत नियमत मुजाफ है अल्लाह ही मुजाफ लई है कुफरन कुफर से कुफरन बस्तर है वह और अहल्लू ला उतारा उन्होंने ला उतारा हा लाम लाम रुटवर्ड है ये फेलेबाजी जवाब ज़र गायब है अहल्ला यूल्लू से बस्तर अहलाल उतारना हलाल करना कौम अपनी कौम को दार हलाकत के घर में दारा है दाराफे मुजाफ लई है बस्तर है खोट का होना उसकी हलाकत का बायस बनना बा रुटवड है जहन्नमा जहन्नुम में युनाहा झुलसेंगे उसमें सौद लामिया रूटवर्ड है यस ना ये फेले बोजार जमा मुजकर से बस्तर है सली भूनना आग में डालना दाखिल होना हा जमीर है वा और, बिसा, बुरा है ये फेले जम जामत माजी वाहिद मुजकर गायब है इसका मुजारे और अमर नहीं आता अलकरार ठिकाना ठहरने की जगह ये मस्तर है व और जा आलू उन्होंने बना लिए अल्लाह के लिए यहाँ जो है ना जालू ये फेले माजी जमा ज़कर गायब है जाला या जालू से मसर है जा बनाना ठहराना और लाही ही अल्लाह के लिए अंदादन कुछ शरीक कुछ मदमकाबिल नून दाल दाल ये इसका रूटवर्ड है वाहिद है निदन लियू दिलू ताकि वो भटका दें ली लामे तलील नासिबा है यू दिल्लु फेले मुजारे जमा मुजकर गायब है युदिल्लू से मस्तर है इदला सबीली ही उसके रास्ते से सबीली मजरूर है मुजाफे और ही मुजाफिलई और कुल कह दीजिए ये फेले अमर वाहिद मुजकर हाजिर है तमत्ता कहा जा रहा है फ़ायदा उठाओ कह दो मेरे बंदों से फ़ायदा उठाओ ये फेले अबर जबा मुजकर हाजिर है तमत्ता आ या तमत्ता से मस्तर है तमत्त उन फ़ायदा उठाना इन्ना तो बेशक मसीरा कुम। तुम्हारा लौटना सोद या रााफ है मसीर मुजाफ़ है, मस्तर है, लौटने को कहते हैं कुम मुजाफली और जमीर है इला नार आ की तरफ कुल कह दीजिए ली इबादी मेरे बंदों से ली हरफ जर है इबादी मजरूर है मुजाफ़ है। वाहिद है अब्दुन या साकिन जो है वो मुजाफली और ज़मीर है अल्लादीना उन लोगों से ये इस मसूल जमा मुज़क्र है आमनु जो ईमान लाए युकीम सलाद वो कायम करें नमाज़ यहाँ युकीम जो है वो फेले बुजार जमा मुजकर गायब है अकामा युकीमो से मज़तर इकामत उन कायम करना असलात मनी है नमाज व और यूफ़ु वो ख़र्च करें नून फाफ्रूटवड है ये फैले मुजार जमा मुजकर गायब है अनफ़ा अनफ़नफ़ू से मज़तर अनफाकन ख़र्च करना मिम्मा इसमें से जो रजक ना हम रिस्क दिया हमने उनको रज़क ना फैलेबाजी जमा मुतकलम है रजक यु से मस्तर है रिज़न रिस्क देना हम जो है वो ज़मीर है सिर छुप कर पोशीदा दिल में छुपी हुई बात व और अलानियतन ज़ाहिर खुला हुआ एलानिया ये मस्तर है मिन कबली इससे पहले अन के ये मस्तरिया है या तिया आ जाए ये फेले मुजारे है आता या तीस मस्तर है आना मानी है दिन बई उन नहीं कोई तजारत ना सौदेबाजी होगी बन रूटवर्ड है बई उन जो है ये मस्तर है फी ही इसमें व और खिलाल उन ना कोई दोस्ती ये जो है ना खिलाल उन ये मस्तर है खलील दोस्त को कहते हैं और जमा है इसकी खला अल्लाहु अल्लाह वो जात ये इसे मसूल वाहिद वादक है खलाका जिसने पैदा किया फिलेबाजी वाहिद मुजक्र गायब है खलाका यखलूकू से मस्तर है खलकुन पैदा करना असमावाती वल अर्द आसमान और जमीन को व और नाजिल किया उतारा ये फ़ेले माजी वाहिद मज़क्र गायब ऑन यूं ज़िलू से मतर इंजा उतारना मिनस समाई आसमान से मा अन पानी फ़ अखरजा फिर निकाले फ़र्फ़ फे अख़रजा फ़ेले माजी वाहिद मज़कर गायब अखरजा युख रिजु से मस्तर अखराजुन निकालना या उसने निकाला बिही साथी इसके मिन समाराती फलों में से इसका वादरत रज़ कन रिज़ कुम ये ज़मीर है लकुम तुम्हारे लिए वा और सख़रा मुसख़र की ये यह फेले माजी गायब है सख़रा है़रा शीरु से मसर है तस्खीरुन मुसख़र करना ली तजरिया ताकि वो चलें ली लाम नासिबा है तजरिया ये फिल मुज़ार वाद गायब है जरा यजरी से मसर है जरियान जिसके मानी है बहना चलना फिल बहरी समंदर में यह मजरूर है भी अमरी ही उसके हुक्म से अमरी मजरूर है मुजाफ़ ही मुजाफली और ज़मीर है व श और मुशर कें लकुम तुम्हारे लिए अल अनहारा नहरें वाहिद नहरुन व वा और सख़रा मुख़र किया लक़ुम तुम्हारे लिए अशमसा सूरज व और अल्कमर चाँद को दाई दा लगातार चलने वाले दाल हमज़ा बारुटवड है दबुन मसर से ये इसम फाइल तस्निया तसनिया का सीगा है यानी दोनों लगातार गर्दिश करने वाले दोनों एक दस्तूर पर चलने वाले व वा और शारा मुशर किए लकुम तुम्हारे लिए लिएला रात वन्ना हा और दिन व और आता कुम आता की तुमको मिन कुल्ली हर चीज में से कुल्ली मजरूर है माँ मानी है जो ये मसूल है साल अल हो उसने जो मांगी और यहाँ है ना स अल हो तुमने मांगी उससे सीन हमजा लाम रूटवड है स तुम ये फेले माजी जमा मुजकर गायब है साला यस आलू से मसर है सअल उन जिसके मानी है सवाल करना मांगना वा साकिन जो है वो शबा का है हु, हु जो है वो जमीर है वा और इन अगर ताउदू तुम शुमार करो आइन दाल दाल रूटवर्ड है ये असल में था ताउदू ना इनकी वजह से नून राबी रबी गिरा हुआ है ये फेले मुजारे

और ला तोहसू ये फेले बुजार मनफी चबा मुजकर हाजिर है अहसा युह सी से मसर है उन गिनना शुमार करना और हा ज़मीर है इन्ना बेशक ये हरफ मुशबा बिलफेल है अंसान इंसान, इंसान। ल ूमा अलबत्ता बड़ा ज़ालिम है यहाँ लाम ला तकीद है लूम ज़ुल्म मुस्तर से मुबालगे का सीगा है यानी बहुत ज्यादा ज़ुल्म करने वाला कफारुन बड़ा नाशुक्रा है बड़ा कुफर करने वाला है यह कुफ्र मुस्तर से मुबालगे का सीगा है आइए बिन आयत की तिलावत सुनते हैं اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ام صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أن أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم {وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۖ كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وأحلوا قومهم, وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار گزشتہ آیات پہ کفر و شرک کرنے والوں کو ملنے والے عذاب کا ذکر تھا बताया गया था कि उन्हें जहन्नु में पीप खून और जख्मों से रिश्ता पानी जो है वो पिलाया जाएगा जिसे वो घूंट घूंट पीने की कोशिश करेंगे लेकिन हलक से ना उतार पाएंगे वो मरना चाहेंगे जहनु में लेकिन मर भी ना पाएंगे आज की आयात में मजीद बताया जा रहा है कि दुनिया में उन्होंने जो भी काम किए थे कुछ अच्छे काम भी तो किए थे लेकिन क़्यामत के दिन उनके उन माल का कोई वजह ना होगा क्योंकि वो अल्लाह के लिए खालिस नहीं किए गए थे और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने मबूदों से उम्मीदें लगाई हुई थी लेकिन क्यामत के दिन वो महबूद उनके कुछ भी काम नहीं आएंगे आयत नंबर एटीन

यानी आंधी वाले दिन चले जो भी उन्होंने किया उसमें से किसी चीज पर कादिर ना होंगे यही दूर की गुमराई है सबसे पहले कहा जा रहा है मसलुल्ला दीना का फारूब यौमिन आसिफ बिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ ऐसी है के उनके आमाल राख की मानद होंगे जिस पर जोरदार हवा चले आंधी के दिन यानी आमाल तो कहा जा रहा है वो ही कबूल होते हैं जैसा जैसा कि आप सब जानते हैं जो ईमान की हालत में किए जाते हैं ना और जो सही तरीके से किए जाते हैं यानी मसरून तरीके से कुरान सुनत के मुताबिक कुफर और शिर की हालत में किए गए अमाल कबूल ही नहीं होते लिहाजा उनका क्या अजर होगा क्या वज़न होगा क्यामत के दिन यही वजह है कहा जा रहा है कि क्यामत के दिन उनके अमाल राख की तरह बेवज़न होंगे और जिस तरह तेज़ हवा राख को उड़ा ले जाती है ना एक जरा भी नहीं बचता सब उड़ जाता है इसी तरह उनके जो अमाल हैं वो भी राख की तरह उड़ा दिए जाएंगे कोई उनका वज़न नहीं होगा हवा में मुंतशिर हो जाएंगे जैसे राख को दोबारा हवा से इकट्ठा तो नहीं किया जा सकता जब उसके ज़रात उड़ रहे हों इसी तरह काफरों के माल भी हवा में उड़ते ज़रात की तरह बेहस हैसियत होंगे यानी उनकी कोई वक्त नहीं होगी और वज़न भी नहीं होगा आयत के आखिर में है ऐसा होगा कि उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आएगा उनमें से जो उन्होंने कमाई की होगी यही तो है दूर की गुमराई यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्यामत वाले दिन काफरों को अपने अमाल के नतीजे का इंतज़ार होगा क्योंकि दुनिया में भी उन्हें अपने अमाल पर बड़ा नाज हुआ करता था ना के जी हम तो मतवली हैं बैतल्ला के खाना काबा के हम खदमत खल करते हैं हाजियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं इंतज़ाम करते हैं हमसे नेक तो कोई है ही नहीं और करते क्या थे तवाफ़ करते थे नंगे होकर सीटियाँ बजाते थे तालियाँ पीटते थे यानी ये तो गुना कर रहे होते थे ना तो यही वजह है एक तो अमाल भी ऐसे और दूसरा कुफर की हालत में शर की हालत में लिहाजा उस उनके अमाल का कोई वजह नहीं होगा यानी कोई अजर स्वब नहीं होगा क्योंकि दुनिया में वो दूर की गुमराई में मुबतला थे हदाय से दूर भटक गए थे और जो वो कर रहे थे शेर गुना वो समझते थे हम बहुत नेकियां कर हम बहुत नेक काम कर रहे हैं बड़ी हम जमा कर रहे हैं यही वजह है कि कहा जा रहा है उनके दुनिया में किए गए जो अमाल थे वो क्यामत के दिन ज़ाया हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे राख बनाकर उड़ा दिए जाएंगे तो आसवान तला रह सदर के साथ कुरान करीम और हदीस को सीखने की तोफ़ीक ता फरमाए ताकि हम अल्लाह के हर हर हुक्म पर वैसे ही अमल करें जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है अल्लाह ताला हमें अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आयत 19 है अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावाति वल अर्द बिल हकी अन यशा युद्धिबकुम वयाती भी खलकियों जदीद है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह सुबहाना तला ने आसमानों को और ज़मीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया है अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक ले आए सबसे पहले हैदब क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है अल्लाह सुबा ने आसमान और ज़मीन को कहा जा रहा है बा मकसद पैदा किया है लिहाजा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस इंसान के लिए अल्लाह सुबहाना ताला ने आसमान और ज़मीन और ये जो सारी कायनात है इसके दस्तर ख़्वान सजाए हैं हर उसकी ज़रूरत की चीज़ जो है वो अल्लाह ने पैदा कर दी है यानी इंसान को शौर भी नहीं होता कि उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह तो आलिम गैब है, अल्लाह ने इंसान को किया है उसकी ज़रूरतों को उसकी ख़्वाहिशों को और उसके जायकों को हर चीज़ को उसके मिजाजों को सबको जानता है लिहाजा जिस रब ने कोई चीज़ मकसद से ख़ाली पैदा नहीं की कैसे हो सकता था कि जिस इंसान के लिए ये सब कुछ तख्ली किया है वो बग़ैर किसी मकसद के पैदा कर दिया गया हो अब आगे बताया जा रहा है कि जो अपनी जिंदगी के मकसद को जानना ही नहीं चाहते जान ले तो आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारनी है अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में गुजारनी है कहा जा रहा है उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला जो है वो फरमाते हैं यशा युब व या तिबिखल जदीद अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए यानी हलाक कर दे और एक नई मखलूक को ले आए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके साथ ये मामला किया जाता है जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल जाते हैं गफ़लत की ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया में वो दुनिया ही की तरफ झुके रहते हैं यानी उनको बार बार तोहिद की दावत दी जाती है अल्लाह ने पैगम्बर भेजे आसमानी किताबें भेजी, हदायत का इंतज़ाम किया ताकि कोई हजत बाकी ना रहे क्यामत के दिन ना कह सकें कि अल्लाह तूने तो कोई पैगम्बर ही नहीं भेजा कोई आसमानी किताब ही नहीं आई हमें तो पता ही नहीं चला कि हदायत का रास्ता कौन सा होता है इसलिए हम गमराओगे अल्लाह ताला ने हजत पूरी कर दी पैगम्बरों को भी भेज दिया और हदायत का इंतज़ाम कर दिया आसमानी किताबें भेज दीं अब जो नाफरमानों की तरह गाफलों की तरह दुनिया गुजार के चला जाएगा बस ख्वाहिशा की पैरवी में लगा रहेगा दुनिया के पीछे भागता रहेगा ज़मीन की तरफ झुका रहेगा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं उनको हलाक कर दिया जाता है और उनकी जगह बेहतर लोग जो है वो अल्लाह ते आते हैं कितनी अकवाम जो हैं वो हलाक कर दी गई अपनी नाफ़रमानियों की वजह से और फिर उनकी जगह नए लोगों ने ले ली हाँ अगर नए लोगों ने गुजशत अकवाम के अंजाम से इबरत नहीं पकड़ी और वही कुछ करते रहे जो उन्होंने किया था उनके नक्शे कदम पर चलते रहे तो उनका भी वही अंजाम हुआ इससे तो कुरान में कुरान में वाक़ इस तरह के मौजूद हैं अल्लाह तमें भी ग़ोर विक्र की तोफ़ी के हम इस तरह के वाक़ से नसीहत और इबरत पकड़ें आमीन अल्लाम आमीन आयत तबा ट्वेंटी है दाली का ही अज़ीज़ तर्जबा है अल्लाह पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं गुजशत आयत में था कि जब कोई कौम अपने पैगम्बर की नाफ़रमानी करती है अल्लाह के साथ शिर करती है अल्लाह की किताब को पसे पुष डाल देती है और दुनिया ही की तरफ झुकी रहती है ज्यादा से ज़्यादा दुनिया जमा करने में उसका वक्त उसकी सलाहियतें उसका जानो माल लग रहा होता है वो दुनिया ही को सब कुछ समझ लेती है और अकीदा ये होता है कि मर कर मट्टी बन जाएंगे हमारे बावजदाद की बोसीदा हड्डियाँ कैसे जिंदा हो सकती हैं बस यही ज़िंदगी है खाओ पियो ऐश करो लिहाजा आखरत की ना कोई तैयारी होती है और ना ही कोई अमल अखलास के साथ होता है दुनिया में बहुत सारे महबूत भी बना लिए होते हैं और ये उनका अकैदा भी होता है कि अव्वल तो क्या मत आएगी नहीं हाँ अगर आ गई कुछ का अक़ीदा था कि हाँ शायद आ जाए तो फिर ये हमें बचा लेंगे हमारे मबूद अब कहा जा रहा है कि सुबहाना ताल जो है ऐसे नाफ़रमान गफ़लों को हलाक कर देते हैं और उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आते हैं और अल्लाह के लिए ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं है अल्लाह सुबहाना ताल इस बात पर कादिर हैं कि इनको हलाक करें और नई मखलूक ले आएँ क्योंकि देखें अल्लाह को कोई बहुत लंबे चौड़े लश्करों की तो ज़रूरत होती नहीं अल्लाह जो फैसला करता है जो चाहता है कहता है कुन, फ़यकून तो वो काम हो जाता है आय तब ट्वेंटी वन है वही जमी अन फ़ालफीबार्नाकुम तब अन फ़ल अन तुम्ना मिन मिन बिल्ला म सबरना मालाना तर्जुबा है सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे उस वक्त कमज़ोर लोग जो बड़े बनते थे उनसे कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताब्यादार थे तो क्या अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकते हो वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हदाय देता तो हम भी जरूर तुम्हारी रहनमाई करते अब तो हम पर बेकरारी करना यानी रोना धोना आओ बका करना और सबर करना दोनों ही बराबर हैं। हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है वो बराजू जमीन फकालीन अकबरु इन्ना कुन्नाकुम तब अ फ़ाहल अन तुम मगनू नान ना मिन अज़ाबिल्ला और वो सब के सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे यहाँ पे क़्यामत के दिन का ज़िक्र है हशर के मैदान में तो कहेंगे कमज़ोर लोग मुतकबरी से यानी जो पैरवी करते थे बुज़ुर्गों की कि हम आप लोगों के पैरोकार थे तो क्या आप अल्लाह के जवाब से हमारे लिए कुछ कमी कर सकते हैं मुश्किन मुनकरीन हक़ अपने मन घड़त महबूदों से कहेंगे कि दुनिया में हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाए अपने पैगम्बर पर ईमान नहीं लाए जो भी आसमानी किताब हम पर आई हमने उसका इनकार कर दिया हमने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी इतात करने के लिए तुम्हारे नाम की नजरों न्यास हम चढ़ाते थे तुम्हारे आस्थानों पर जानवर जबा करते थे देगे चढ़ाते थे जब तुम मर जाते थे तो तुम्हारी कब्रों पर चादरें भी चढ़ाते थे हम अल्लाह की बजाय तुम्हारे सामने सट दे करते थे तुम जिंदा थे तो भी किए तुम मर गए तो तुम्हारी कब्रों को जा किए और हर तरफ तुम्हारा प्रचार करते थे क्या क्या कहानियां घड़ के हम तुम्हारी करामात घड़ घड़ के लोगों को सुनाते थे दूर दूर से लोगों को खींच के तुम्हारे पास लाते थे दुनिया में तो सिर्फ हमारा सारे का सारा भरोसा हमारी उम्मीद सब तुमसे से थी लिहाजा आज हमारा अजाबी ज़रा कम कर दो हदला हदई ला कुम मबूद कहेंगे अगर अल्लाह ने हमें दुनिया में हदायत दी होती तो हम भी तुम्हें हदायत की राह पर चलाते यानी हमें तो खुद अल्लाह ने हदायत नहीं दी सारा इल्ज़ाम पर लगा रहे हैं ये कौन थे ये दुनिया में ताकतवर लोग थे सरदार थे पीर थे बुज़ुर्ग थे इनके लीडर थे और दुनिया में तो वो ख़ुद को सबसे ज़्यादा हदायत पर समझा करते थे उनसे तो कोई ज़्यादा नेक था ही नहीं और लोगों को भी यकीन दहानी करवाते थे कि उनसे ज़्यादा किसी का बेलम नहीं है उनसे ज़्यादा तो कोई भी अल्लाह के करीब नहीं है और जन्नत तो सिर्फ उनको ही मिलेगी जो इनके पीछे चलेंगे लेकिन क्यामत के दिन वो इस बात का इकरार करेंगे कि हम तो खुद हदायत पर नहीं थे यही वजह थी कि तुम भी दुनिया में गुमराह करते रहे लेकिन हमने तो नहीं किया तुम खुद ही हमारे पीछे लगे हुए थे यानी सारे का सारा इ्ज़ाम अल्लाह पर भी धरेंगे कि अल्लाह ने हमें हदायत दी नहीं गुमराह कर दिया अगर अल्लाह हमें हदायत देता हम ख़ुद हदायत पर चलते तो तुम्हें भी उस पर चला देते लेकिन क्या करें जबकि अल्लाह सुबहाना तला ने इंसान को आज़ादी और इख्तियार देकर भेजा है मर्जी देकर भेजा है और अल्लाह ने पैगम्बरों के ज़रिए आसमानी किताबों के ज़रिए दोनों रास्ते भी दिखा दिए ये सरतुलमुस्तकीम है हदायत का रास्ता है क़ुरान को मज़बूती से थामने पर ही इस पर चल सकोगे कुरान और हदीस पर अमल करने से इस पर चल सकोगे और यह दूसरा रास्ता गुमराई का है अगर तुम ना अल्लाह को मानोगे ना अपनी किताब को मानोगे ना पैगम्बर को मानोगे तुम अपने ये जो तुमने मन घड़त मबूद बना रखे हैं इनके पीछे लगे रहोगे तो फिर ये गुमराई का रास्ता तो जहन्नुम में लेकर गिरेगा लेकिन ये रास उन पर उस दिन खुलेगा जब उनसे हिसाब किताब लिया जा रहा होगा जब हिसाब किताब के बाद उनको क्यामत में जहनों में फेंक दिया जाएगा मजीद कहेंगे सुनाजियना अम सबरना माह महिश अब हमारे हक में बराबर है ख्वा हम बेकरार हों जजाओ फ़ज़ा करें यानी शोर शराबा करें आओ बका करें या सब्र करें दोनों तो बराबर है यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब हमारा रोना धोना हमारा चीखना चलाना किसने देखना है और अगर सब्र भी करेंगे तो उसका अजर थोड़ी मिलेगा दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी अब हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है अब हम कोई भी रवैया अख्तियार करें बेचैन हो जाएं, बेकरार हो जाएं, रोए धाड़ें चीखें चलाएं, या हम सब्र करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी अब कोई पनागा नहीं है, ना तो दोबारा दुनिया में जाना मुमकिन है कि अब अमाल करके लाएं अल्लाह की पसंद के ईमान ला कर तरीके से और ना ही यहाँ पर कोई और निजात का तरीका है कोई यानी हमारा मबूद तो खुद जहनों में पड़ा हुआ है उसने हमारी क्या मदद करनी है हमें क्या निकालना है अब कोई रास्ता है ही नहीं आए तब ट्वेंटी टू है وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ فَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ मा अन असऱी कु कम व मा अन तुम भी मुसऱिया कफ़र तो बिबा अशरकत मुनी मिन कबलु इन्ना दिलिम नुम अज़ाबन अलीम तर्जबा है जब और काम का फ़ैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुम से जो वादे किए थे उनका ख़िलाफ़ किया यानी मैंने ख़िलाफ़ वर्जी की बेरा तुम पर कोई जोर तो नहीं था यानी मेरा दबाव तो नहीं था तुम पर हाँ मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली बस तुम मुझे इल्ज़ाम लगाओ बल्कि ख़ुद अपने आप को मलामत करो ना मैं तुम्हारा फरियाद रस हूँ और ना तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले हो बे तो सिरे से मानता ही नहीं के तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है सबसे पहले कहा जा रहा है वो कला शैतान लम्मा कुदियल अम्र। और जब तमाम अमूर का तमाम कामों का फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा क्या के दिन का ज़िक्र है हिसाब किताब लिया जा रहा होगा हर एक ही किस्मत का कहा जा रहा है फ़ैसला हो जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में जाएगा उस वक़्त शैतान कहेगा इन वकी वखलतकुम देखो यानी देख लो लोगो अल्लाह ने तुम से एक वादा किया था सच्चा वादा और मैंने भी तुमसे वादे किए थे तो बैरे तुमसे अपने वादों की खिलाफ वर्जी की दुनिया में भी शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है अपनी पैरवी करवाता है ना गुनाहों को खूबसूरत करके दिखाता है और बुराई की तरफ रागिब करता है और जब वो नेकियां करने लगता है बंदा तो कहता है बड़ी जिंदगी पड़ी है कोई बड़ी नेकी मिलेगी तब करना ये इसको क्या करना इस तरह से नेक कमाल से भी रोकता है तो कहा जा रहा है कि जहन्नुम में भी वो इनकी जहन्नुम की तरफ रहनुमाई करेगा और जहन्नुम में जहनुमियों से खिताब करेगा और कहेगा कि दुनिया में अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा था क्या वादा था अल्लाह ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए अपनी आसमानी किताबों के ज़रिए बंदों से ये वादा किया था कि अगर वो ईमान ले आएंगे अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएंगे उनको मानेंगे और जो अल्लाह ताला ने आसमानी किताब भेजी है उसको मजबूती से थामेंगे सीखेंगे समझेंगे अमल करेंगे अल्लाह रसूल की ताद करेंगे तो अल्लाह ज़रूर उन्हें जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा जैसा कि अहले किताब से भी उनकी किताबों में वादा लिया गया था कि देखो आखिरी नबी आएगा तो उस पर ईमान लाना उसके मददगार बनना तो उस वक्त शैतान इन जहनवियों से कहेगा कि मैंने तुमसे दुनिया में जो वादे किए थे वो तो झूठे थे सरासर धोखा देने के लिए थे फ्रेब देने के लिए थे और मैंने जो भी तुमसे वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं करूँगा यानी मैं तुम्हें दुनिया में वसवसे डालता था तुमसे गुनाह करवाता था और कहा करता था कर लो छोटा सा तो गुनाह है अल्लाह गफूर रहीम है, तोबा कर लेना लिहाजा तुम बड़े बड़े गुनाह कर जाते थे मेरे इस वसवसे वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान शैतान मजीद कहेगा लेकिन मेरे पास तुम पर कोई इख्तियार नहीं था जोर नहीं था मेरा तुम पर देखिये अल्लाह सुबहाना तला ने फरमाया था ना कि मेरे मुखलिस बंदों पर शैतान का जोर नहीं चलेगा और शैतान भी यही कह रहा है कि मेरा तुम पर कोई जोर तो नहीं था हाँ तुम भी मुखलिस बंदे नहीं थे तुम्हारा कसूर है ठीक है ना यानी तुमने अल्लाह का मुखलिस बंदा बनना पसंद ही नहीं किया था तुम तो अपनी ख्वाहिशात की दुनिया में पैरवी करते रहते थे अपने अबा की पैरवी करते थे मन घड़त महबूद बना लिए थे ठीक है ना? कभी अपने सरदार की पूजा करते थे कभी किसी पीर और मुर्शिद की और उन लोगों की अंधी तकलीद करते थे जिनके पास कोई इल्म नहीं था दीन का और अल्लाह और पैगम्बर की दावत दलाइल पर मबनी थी तुमने इसे कबूल ही नहीं किया मेरा तुम पर कोई दबाव कोई जोर नहीं था तुम कर सकते थे कितनों ने कर भी लिया था कबूलना मेरे वसवसे तुम्हें सिर्फ इसलिए लुभाते थे क्योंकि तुम मुफाद के बंदे थे तुम्हें दुनिया की नेमतों से मोहब्बत थी और मैं तुम्हें दुनिया के धोखे में मुबला कर रहा था और तुम खुशी खुशी मुबतला हो रहे थे शैतान मजीद कहेगा इल्ला दाउतकुम फर्स्ता जब तुम ली सिवाय इसके कि बैरे तुम लोगों की लोगों को दावत दी और तुमने मेरी दावत कबूल कर ली यानी मेरी दावत की कोई हकीकत नहीं थी मेरी किसी बात की कोई दलील नहीं थी और तुम लोगों ने अल्लाह और पैगंबर की दावत को रद्द कर दिया था हालांकि उनकी दावत हक पर मबनी थी और दलाल के साथ थी लेकिन मेरी दावत तुमने इसलिए कबूल कर ली क्योंकि यहाँ पे रंगीनी थी यहाँ पे मालो दौलत और नेमतों के अंबार थे रौनकें थी इसलिए फिर तुम जाते थे शिर करते थे वहाँ पे पुतों की पूजा करते थे मख्लिफ़ पकवान बनते थे उनको तुम चढ़ावे चढ़ाते थे यानी मज़ा आता था तुम दावत एक पार्टी एक पिकनिक किया करते थे रंगीनी थी तो मैं वो बहा गई फला तलूमूनी व लूमो अन तो अब तुम लोग मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो यहाँ शैतान कह रहा है कि मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हो अल्लाह ने पैगंबरों और आसमानी किताबों के ज़रिए तुम्हें दलाल के साथ दो रास्ते तो दिखा दिए थे हदायत का और दूसरा गुमराई का अब तुमने अकल शहूर से अगर काम नहीं लिया और अपनी मर्जी और अख्तियार के साथ तुमने गुमराह का रास्ता चुना तो अब जहनुम में पड़े हुए हो ना क्योंकि गुमराई का रास्ता तो जहनुम में जाता था यानी तुमने अपनी मर्जी से गुमराही और जहनुम के रास्ते को तरजीह दी थी हदायत के रास्ते पर तुम मेरे वसवसों से बचने के लिए बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं करते थे अव्वल तो तुम ईमान ही नहीं लाए थे अगर ईमान ले आते थे तो शौरी ईमान नहीं लाते थे अल्लाह रसूल की कोई बात ही नहीं मानते थे कुरान ना खोलते थे ना सीखते थे सुनी सुनाई बातों पर अमल करते थे जो कहता था ये कुरान में अच्छा अच्छा ठीक है चलो जी आगे भी फैला देते थे कुरान में इस तरह कोई दलील नहीं थी फ़्राइज की अयगी नहीं करते थे दीन पर अमल नहीं करते थे लिहाजा सारा कसूर तुम्हारा है मुझसे बचने के लिए शैतान से बचने के लिए दुआएं हैं ताऊ तस्मिया है फिर मुख्त ओकात की दुआएं जो होती हैं जिस तरह बैतुलखला में जाने की दुआ बाहर निकलने की दुआ सोने की दुआ जागने की दुआ घर में दाखिल होने की निकलने की खाना खाने की लिबास पहनने की ये सब तुम नहीं इनका कोई एहतमाम नहीं करते थे सफ़र की दुआ न फ़्राइज की अदायगी करते थे नवाफिल तुमने क्या अदा करने हैं अल्लाह से कोई तुम्हारा कल भी ताल्लुक नहीं था अल्लाह से क्या तुमने बातचीत करनी थी दुआएं करनी थी हाँ तुम दुआएं जरूर करते थे लेकिन अपने मबूदों के पास उन बुतों के आगे सर टेकते थे लिहाजा आज मुझे मलामत ना करो कोई इल्जाम ना लगाओ बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो फिर कहा जा रहा है मा अना भी मुसरी कुम व मा अ तुम भी मुशरी अब ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो सरख जो है ना वो चीखो पुकार को कहते हैं लिहाजा कहा जा रहा है तुम ख्वा कितनी फरियादें करो ना मैं तुम्हें जहनुम के अजाब से बचा सकता हूँ और ना तुम मुझे इस अजाब से निकाल सकते हो इन्नी कफ़र तो बिमा अशरक तुमुनी बिला शुबा मैं इनकार करता हूँ इसका कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों से मज़ीद कहेगा जो उसकी पैरवी करते थे दुनिया में कि मैं तो इस बात का भी इनकारी हूँ कि मैं अल्लाह का शरीक हूँ क्योंकि इस कायनात का खालिक मालिक रज़िक अल्लाह है वही तदबीर करता है लिहाजा मैं उसका शरीक क्यों कर हो सकता हूँ मैंने तो इनमें से कोई काम नहीं किया यानी ना आसमान बनाया ना ज़मीन बनाई ना मखलूक को बनाया और ना मखलूक के लिए किसी रिस्क का इंतज़ाम किया ना मैं तदबीर करता हूँ अगर दुनिया में तुम मुझे या किसी और को अल्लाह का शरीक समझते थे तो मैं तुम्हारा अपना कसूर यानी इसमें तुम्हारा अपना कसूर और नादानी थी कि तुम गैर अल्लाह को अल्लाह के बराबर ठहराते थे अल्लाह का दर्जा देते थे ये सब तुम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में करते रहे अपने आबा उद्दाद की पैरवी में करते रहे और ये वजह भी थी कि दीन पर अमल तुम्हें मुश्किल लगता था वहाँ तुम्हें ज़्यादा रंगीनियाँ नज़र आती थीं, यही वजह है कि तुमने एक मेले का सा जो समा था उसको पसंद किया आसान रास्ता ढूंढ लिया और इन मबूदों को अल्लाह का शरीक बना लिया और इन पर ही भरोसा कर लिया कि अव्वल तो क्या मत आएगी नहीं अगर आई तो ये हमें छुड़ा लेंगे और दुनिया में अल्लाह पर भरोसा ना किया सिर्फ इन्हीं पर किया अब देख लो कहा है ये तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं इन नालिमी लहुम अज़ाबुन अलीम यकीालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है और मशरकिन का अल्लाह के अहकाम को पसे पुश डालकर शैतान की पैरवी करने वाले का अंजाम बताया जा रहा है कहा जा रहा है ये ालिम अल्लाह के हक़ में कमी करने वाले मश्रक़ अब हमेशा के लिए दर्दनाक अजाब में पड़े रहेंगे आय तब ट्वेंटी थ्री है

रब के हुक्म से इसमें उनकी दुआ खैर सलाम से होगी गुजशत आयत पे उन जहनवियों का ज़िक्र था जो दुनिया में अल्लाह और रसूल के नाफ़रमान थे और शैतान की पैरवी करते थे अब उनका ज़िक्र आ रहा है जो कि शैतान के आलाकार नहीं बने उन्होंने शैतान की पैरवी बिल्कुल नहीं की बल्कि अल्लाह को राशी करने में लगे रहे्ला रसूल की तात करते रहे उनके साथ क्या अंजाम होगा बताया जा रहा है बदख़िल्ल दीन आमन उस वो जन्द में दाखिल किए जाएंगे क्योंकि वो दुनिया में शौरी ईमान ला कर नेक ईमाल नकमाल जो है वो करते रहे थे यानी वो कुरान सन्त पर अमल करने वाले थे उनकी तरजीहत में जो है वो अल्ला ताला को राज़ी करना था हदायत के रास्ते पर चल रहे थे जो भी पैगंबर ने उन्हें हदायत दी थी जो भी किताब दी थी उसे मजबूती से थाम लिया था और हर हर हुक्म पर वो अमल करते चले जाते थे लिहाजा कहा जा रहा है हदायत के रास्ते पर चलने की वजह से और वो मुखलिस थे उन पर शैतान का ज़ोर भी नहीं चलता था और शैतान से बच बच कर भी चलते थे सारे हथियार इस्तेमाल करते थे ताकि शैतान हमला ना करे हथियार यही होते हैं ना सबसे पहले तो कुरान को मजबूती से थाम लिया जाए फिर दुआएं पढ़ी जाएं हिफाजत की शैतान से बचने की और मुख्त अवत के जो दुआएं हैं मुख्त की जैसे पहले बात हुई थी सोने की दुआ जागने की दुआ खाना खाने की दुआ इन सब का भी वो अहतमाम करते थे आतल कुर्सी पढ़ते थे तलावत कुरान करते थे और अमल भी करते थे कुरान के मुताबिक लिहाजा उन पर शैतान का वार नहीं चला था और उनका हर हर अमल जो है ना वो इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हुआ करता था बताया जा रहा है कि उनके लिए कैसी जन्नत होगी जन्नत इन तजरीम इन तहती अल-नहारु हारिदी फ़ीहा यानी वो जन्नत के ऐसे बागात पे अपने रब के हुक्म से दाखिल किए जाएंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे और उन बागात के नीचे नहरें बहती होंगी बहुत ही खूबसूरत वहाँ के मनाजिर होंगे जिन्हें ना किसी आँख ने देखा ना किसी ने कभी उनका उनको सोचा किसी के वहमो ख़याल में भी नहीं है क्या क्या नियमतें हैं जो अल्लाह सुबहाना अपने मोमिर बंदों के लिए वहाँ पर सजा कर रखी हुई हैं और तहत हम फ़ीहा वहाँ उनकी दुआ खैर सलाम होगी दुआ ख़ैर जिंदगी की दुआ है कहा जाता है वो आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे अल्लाह सुबहाना तै भी उन्हें सलाम भिजवाएंगे फरिश्ते भी उन्हें सलाम करेंगे रबाना जालना मीन हूम आमीन आयत नंबर 24 है अलम तौरा कैफ दौरा अल्लाह माथला कलिमा तौइबा का शजरातिन तौइबतिन असलुहा साबितु व फरुहा फिस्समा तर्जुमा है क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाकिस्तान की मिसाल किस तरह बयान फरमाई मिसाल एक पाकजा दरख्त की जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियाँ आसमान में हैं यहाँ सबसे पहले है अलम तार कैफ़ा दौरा मसला कलीमाता तोयबा क्या तुमने गौर नहीं किया अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान की है कलीमा तयबा की यानी पाकिज़ाबाद की दरअसल कलिमा तयबा के लघवी मानी होते हैं पाकिजाबाद और इससे बुरा कलमा तोहीद है यानी ला अः है ये अफजल जिकर है जब किसी का अकीदा कलमा तोहद होता है तो वो भलाइयाँ फैलाने वाला और बुराइयों की जड़ काटने वाला बन जाता है फिर कहा जा रहा है कशरती तो असलूह साबित फरूहा फिसम इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक पाकिजा दरख्त किसकी मिसाल यानी कि कलमा तोहीद की या आप कह लें कि कलमा तयबा की मिसाल कैसे है जैसे एक पाकिजा दरख्त अब दरख्त का कहा जा रहा है इसकी जड़ मजबूत होती है और शाख आसमान में होती हैं यहाँ कशा जराती तोयबा से मुराद पाकिजा दरख्त है और मुराद खजूर का दरख्त है ठीक है कहा तो जाता है पाकिजा दरख्त को मानिए होते हैं पाकिजा दरख्त की मिसाल यानी खजूर के दरख्त की मिसाल यहाँ पे मोमिन से दी गई है यानी पाकिज़ा दरख्त जो है खजूर का दरख्त ये मोमिन की मानंद है देखिए खजूर का दरख्त जो होता है ना वो हर मौसम में हरा भरा होता है हर मौसम में फल देता है और बहुत सारे ऐके होते हैं और साइज़ होते हैं खजूरों के और क्या क्या मिठास होती है और इसकी हर चीज जो है ना वो नफा मंद होती है और इसकी शाखें भी बुलंद आसमानों तक जाती हैं इसकी जड़ जमीन में बहुत गहरी होती है मजबूत होती है और इसके पत्ते नहीं झड़ते इसकी शाखों में आर्जी होती है झुकी हुई होती हैं कहा जा रहा है बंद मोमिन भी खजूर के दरख्त की तरह होता है उसका अकीदा दुरुस्त होता है जैसे इसकी जड़ मजबूत होती है उसके दिल में भी कलम तोह रचा बसा होता है उसकी सारी ज़िंदगी कलम तोहद के तकाजों को पूरा करने में गुजरती है यानी वो नेक अमाल ही करता रहता है जब तक इस दुनिया में होता है और उसका हर काम खालस नीयत के साथ होता है यानी अखलास नीयत के साथ सिर्फ़ अल्लाह के लिए करता है और वो हर एक के लिए नफ़ामंद होता है हर हर एक का खैर होता है जैसे कि इसकी शाखें झुकी होती हैं ना इसी तरह बंदा मोमिन में भी आर्जी होती है और वो जैसे ये हर मौसम में फल देता है हरा भरा रहता है वो भी हर मौसम में हर हाल में खुश अखलाक होता है उसका मिजाज बहुत अच्छा होता है खजूर के दरख्त की तरह वो सदा बहार होता है मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बहुत गहरी होती है मोमिन अल्लाह की आयात और कायनात की निशानियों पर गौर फिक्र करता है और मोमिन दुश्मन के लिए भी नफ़ामंद होता है उसको दावत दीन देता है उसकी तरफ से जो भी तकलीफ पहुँचती हैं उन पर सब्र करता है उसकी आखरत की फिक्र होती है इसके दिल में उसकी असलाह करना चाहता है अल्लाह हमें भी ये सारी खसूसिया पैदा कर दे 25 है।, ला है जो अपने परवरदगार के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है और अल्लाह लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें अब खजूर के दरख्त की मज़ीद ख़ूबियाँ बताई जा रही हैं तो ती अकुल्ला हा कुल्ला रबी हा ये दरख्त हर वक्त हर आन अपना फल लाता है अपने रब के हुक्म से यानी इसका अपना कोई कमाल नहीं है ये अल्लाह के हुक्म से होता है वरना आप खुद सोचें ज़मीन में इन फलों के ना तो मिट्टी में जायके होते हैं ना इनकी खुशबूएं होती हैं और ना ही वहाँ पे कोई कंप्यूटर होता है या कोई इंजीनियर बैठा होता है जो इनको बना रहा हो कोई फैक्ट्री अंदर नहीं लगी होती कुछ भी नहीं होता ज़मीन होती है एक बीच डाला जाता है बाकी सब अल्लाह करता है जो भी ये दरख्त कर रहे होते हैं सब अपने रब के हुक्म से कर रहे होते हैं और ख़ूबियाँ बताई जा रही हैं जैसे पहले था कि इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं मज़बूती से जमी होती हैं इसमें इस, इस होती है और इसकी शाखें आसमान में बुलंद होती हैं और इसका फल भी लजीज़ होता है और अब बताया जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म से हर वक्त हर मौसम में इसका फल आता है खजूर का दरख्त गर्मी सर्दी हर वक्त कहा जा रहा है फल देता है इसी तरह क्योंकि खजूर के दरख्त को एक मोमिन से तशवी दी गई है ना मोमिन भी नेक अमाल जो है वो हर वक्त करता है ये अमाल उसके हर लम्हे हर वक्त हर घड़ी आसमान की तरफ उठते हैं जिस तरह के खजूर के दरख्त की शाखे ऊपर को आसमान की तरफ बुलंद होती है ना इसी तरह मोमिन के नेक अमाल उसके जो भी वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करता है उनका अजर भी अल्लाह सन्ना तलाता फरमाते हैं अमाल ऊपर खीरा हो जाते हैं और अल्लाह मिसाल बयान करता है लोगों के लिए यानी हमारे लिए ताकि वो नसीहत पकड़े गौर वफिके अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखें और अल्लाह की पहचान उन्हें हो जाए और वो ये जान जाए कि जो रब मट्टी के अंधेरों में एक ही मट्टी से एक ही जैसे पानी से वो क्या रंग बरंगे फल सब्जियां फूल दरख्त क्या क्या कुछ उगाता है क्या क्या जायके क्या क्या रंग आम को ले लें कितनी ख़ूबसूरत पैकिंग क्या उसका रंग और क्या खुशबू इसी तरह से आप सेब को ले लें माल्टे को ले लें सुबह अल्लाह तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो मैंने मिसालें पेश की हैं खजूर के दरख्त को तशवी दी है एक बंदे बोमिन से तो ये मिसाले इसलिए दी हैं ताकि लोगों को पता चले कि जो रब इतना कुछ बना लेता है ये सब मोर्ज़े ही तो है ना इससे अपने रब को क्यों नहीं निशानियों से पहचानता और अगर पहचान जाता है तो ये सब चीजें भी तो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ कर रही है ना ठीक है एक बीज डाला उसके बाद कोम्पल निकली अल्लाह के हुक्म से बड़ी हुई फिर एक वक्त आया कि उसमें से फूल और फल और सब कुछ बना अल्लाह के हुक्म से इन सब को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है ये सब अल्लाह की ताद कर रहे हैं तो एक बंदा जिसके लिए सारी नेमतें सजाई गई हैं वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को क्यों नहीं पहचानता क्यों नहीं समझता नसीहत क्यों नहीं हासिल करता अल्लाह हमें बेहतरीन तौफीक अता फरमाए ये कायनात में बिखरी जो निशानियाँ हैं जो तख्लीक़ है इन पर ग़ौर फिक्र करें और अपने रब की मार्फत हासिल कर लें और अल्लाह की कदरदानी करें अल्लाह की तात करें अल्लाह के हर हर हु पर अमल करें अल्लाह को राज़ी करने में अपना तन मन धन लगा दें आमीन अल्लाह ममीन आय ट्वेंटी है वास कलीमा तिनसा तिन कशाजन हबीसा तिन इजतस्त मिन फौकिल अरदी करार तर्जबा है और कलमा हबीसा या डापाक बात की बिसाल पाक दरख्त जैसी है जो ज़मीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया हो उसे ज़मीन पर कोई करार नहीं है अब कलमा ख़बीसा से बुरात कुफर और शजर ख़बीसा यानी हंजल का दरख्त है कलम ख़बीसा बुराई की दावत है जिसकी बिसाल जो है वो झाड़ियाँ वगैरह हैं झाड़ झंकाड़ जो होता है ना उससे दी जा रही है इन झाड़ियों को क्या किया जाता है जमीन के ऊपर ही इसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है इन्हें कोई करार नहीं होता कोई इनमें सकामत नहीं होती कोई जमाव नहीं होता कोई मजबूती नहीं होती क्योंकि इसकी जड़ें कमजोर होती हैं और गहरी नहीं होती लिहाजा इन झाड़ियों को जड़ी बूटियों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और इनको कोई सबात नहीं होता कोई करार नहीं होता इनका कोई साया भी नहीं होता ये किसी काम की नहीं होती कोई फल नहीं ये देती बल्कि इसी तरह ना तो बुराई को सबात होती है करार होता है यानी झूठ के कहते हैं ना पाँव नहीं होते और लिहाजा जो नापाक बात होती है खबीस बात होती है कहा जा रहा है कि वो इसी तरह होती है जैसे कि काफिर के अमाल की कोई हैसियत नहीं होती ये भी किसी के फायदे के नहीं होते ना वो अमाल असमान पर चढ़ते हैं ना अल्लाह की कबूल होते हैं ना कोई उनका वजन होता है ये झाड़ियां जो होती हैं ये नफ़ा मंद दरख्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं लिहाजा उखाड़ कर फेंक दी जाती हैं इसी तरह कल खबीसा जो है वो भी कोई पसंदीदा चीज नहीं होती आयत आय ट्वेंटी सेवन है आमन बिलकुल फिलहत दुनिया व फिल आखिर व युदिल्ला तर्जबा है ईमान वालों को अल्लाह पक्की बात के साथ मजबूत रखता है दुनिया की जिंदगी में भी और आखरत में भी हाँ ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरता है सबसे पहले कहा जा रहा है युसअ तोल्लामन बिल्कुल साबिती फिल हयात दुनिया व आखिर अल्लाह साबित कदम रखता है उन लोगों को जो इबा लाते हैं साथ साबित बात के दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखरत में भी यहाँ साबित से मुराद हक दुरुस्त बात सच्ची बात और कलमा तयबा है और मुराद ईमान है यानी आखरत पर पुख्ता ईमान रखने वाला शख़्स जो होता है वो दुनिया के अंदर अपने किरदार में और नज़रियात में मज़बूत और साबित क़दम होता है सही बुखारी में है बौद के बाद क़बर में जब मुसलमान से सवाल किया जाता है तो वो जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं यही वजह है कि दफनाने के बाद दफन करने के बाद उसके लिए कसरत कदमी की दुआ की जाती है और एक बंद मोमिन को कुरान से सकामत मिलती है वो अच्छे बुरे हर तरह के हालात में साबिर होता है शुक्रगुजार होता है खुश अखलाक और खुश मिजाज होता है अल्लाह उसे दुनिया और आखरत दोनों में साबित कदमी भी अता फरमाता है यानी सकामत देता है और कामयाबी अता फरमाता है आयत के आखिर में कहा जा रहा है वय विल्लामी मा यशा और गुमराह कर देता है अल्लाह को और अल्लाह करता है जो चाहता है यानी अल्लाह उन जालिमों और ना इंसाफ़ों जो नासाफ़ी करने वाले लोग होते हैं उनको गुमराह करता है कौन जो गुमराह होना चाहते हैं अल्लाह दिलों के हाल जानता है जिनके अंदर हदायत पाने की तलब होती है ख़्वाहिश होती है कोशिश होती है उनके लिए तो अल्लाह रास्ते बना देता है और जो नहीं पाना चाहते तो वो जो कोशिश कर रहे होते हैं जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वही उनके लिए आसान बना दिया जाता है लिहाजा हमें अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना चाहिए अल्लाह के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मसलहत होती है हिकमत होती है आयत आयतब ट्वेंटी एट है बदलु नाहीफर अब हम दारबवार तर्जबा है क्या आपने उनकी तरफ नज़र ही डाली अल्लाह की नेमत के बदले नाशक् की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा सबसे पहले है बद्दलू कुफरा क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों के हाल पर जिन्होंने अल्लाह की नियमत को बदल दिया कुफर से ने मक्का महब्बत सल्लाम की नबूत को नहीं मान रहे थे अल्लाह ने साले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन और लोगों के लिए नेमत लाई बनाकर भेजा था अल्लाह की तरफ से नेमत है ना जो आप अलैहि पर ईमान लाया उसने इस नेमत की शुक्रगुजारी की कदरदानी की जबकि कुफर ही दरअसल अल्लाह तआला की नेमत की ना शुक्री थी ना कदरी थी अल्लाह तआला ने पैगंबर भेजकर हदायत का इंतज़ाम फरमा दिया था हजत पूरी कर दी थी बकर ने हक ने हदायत देकर गुमराही खरीद ली अल्लाह और और किताब का इनकार किया और इनका इनकार दरअसल खुद अल्लाह की नेमत से खुद को अपने आप को अल्लाह की नेमत से महरूम करना होता है ना इस तरह करके इन्होंने क्या किया वाहम दार कहा जा रहा है उन्होंने अपनी कौम को ला उतारा तबाही के घर में यह दारल बवार से मुराद हलाकत का घर है जहन्नु मुराद है यानी दुनिया में कुफार ने खुद अपने हाथों से जहन्नु में जाने का सामान खरीद लिया आयत ट्वेंटी नाइन है जहन्नम हा वा बिसल करार तर्जबा है वो सब जहन्नुम में जाएंगे जो बदतरीन ठिकाना है इससे पहले कुफार की हलाकत का घर जो है वो बताया गया था कि ये दोजा होगा और अब बताया जा रहा है कि जब उस जहन्नुम की आग में ये सब जाएंगे तो वो इसमें झुलसेंगे हाव बका करेंगे चीखो पकार करेंगे निकलना चाहेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना होगा मरना चाहेंगे मौत भी नहीं आएगी लिहाजा ये दुनिया जो है दारुल अमल है आखरत जजा है वहाँ कोई कहे कि जी अब हमें दुनिया में भेजो अब हम शौरी मां ला कर माल करके लाएंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है और वैसे भी अल्लाह को पता है कि अगर वो सत्तर बार भी इनको भेजेगा हर दफ़ा जो शख़्स पहली दफ़ा कोई अमल करके नहीं लाया वो हर दफ़ा वैसे ही आएगा ख़ाली हाथ अल्लाह ताली आज हमें तोफ़ीकता फरमाए कि हम इस क़ुरान को समझे तर्जुमे के साथ फहम के साथ और हर हर हुक्म पर अल्लाह के अमल करें और इसे दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि इस बुरे जाम से हम आखिरतें बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें तौफीक दे आमीन अल्लाम आमीन आयतबी है जन सबी तर्जबा है उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएँ आप कह दीजिए कि खैर मज़े कर लो तो बाज़ गश तो आखिर जहन्नुम ही है यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है व अंदा दली दिल्लु अन सबीली और उन्होंने अल्लाह के शरीक ठहरा लिए हैं ताकि गुमराह करें लोगों को उसके रास्ते से यहाँ बताया जा रहा है वो शिकीर बक्का बहुत से बाबूतगढ़ रखे थे और लोगों को भी अल्लाह की बंदगी से रोकते थे खुद भी गुमराह थे दूसरों को भी गुमराह करते थे की आयत तबर ट्वेंटी टू में भी था फ़ला तजाल अंदादा तुम अल्लाह के बदबिल ना ठहराओ एक सहाबी ने हजूर सलम से महावरता अर्ज़ किया बादशाह अल्लाह जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें तो आप अलैहि वसल्लम ने उसे फौरन टोक दिया और फरबाया अजनी लाही निदाशाह क्या तूने मुझे अल्लाह का मुकाबिल बना दिया बल्कि वही होगा जो तन्हा सिर्फ एक अल्लाह चाहेगा यानी मशीयत तो अल्लाह ही की है जो होगा उसी की मशीयत से उसी की मर्जी से होगा इख्तियार सिर्फ उसी का है और किसी का कोई इख्तियार नहीं उलता मसीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप कहिए कि दुनिया की जिंदगी में तुम फायदा उठा लो फिर यकीनन तुम्हारा लौटना आग की तरफ है अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि नबी इनको बता दो सबसे पहले तो मशरकिन से ख़िताब है फिर क्या मत तक के जो भी शर करने वाले हैं कि इनके मबूदों ने हदायत के रास्ते से इन्हें बहुत दूर कर दिया है ये भटक गए हैं इन्होंने दुनिया के मालो मता ही को सब कुछ समझ लिया है अल्लाह साली फरमा रहे हैं ए पैगम्बर इनको बता दो कि दुनिया की ज़िंदगी में तुमने जितने फ़ायदे उठाने हैं उठा लो जितना तुमने मालो मत इकट्ठा करना है कर लो दुनिया खूब जमा कर लो हराम से हलाल से धई से मिलावट से कत्लो गारत करके फ्रॉड करके जैसे तुमने जमा करना है माल जमा कर लो लेकिन जाओगे गुनाहों का अंबार लेके क्योंकि जो कफ़न है उसमें तो कोई जेबें होती नहीं और ना ही कब्र के अंदर कोई स्टोर होता है लिहाजा छोड़ के तो इधर ही जाओगे अलबत्त तुम्हारा ठिकाना जो है वो फिर आग की तरफ ही होगा इसलिए कहा जा रहा है कि अनकरीब तुम्हारा लौटना तो आग ही की तरफ है अल्लाह हमें ऐसे अंजाम से बचाया आमीन आयत तब थर्टी वन है पुल इबादी आमन तवय फ़िकम सरानी क़बली बी ही वर्जुबा है मेरे इबार वाले बदों से कह दीजिए कि रबाज़ों को कायम रखें और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ न कुछ वशीदा और ज़ाहिर करके खर्च करते रहें इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी सबसे पहले है इबादी अल्ला आमनू यकीम आप कह दीजिए मेरे इन बंदों से जो इबाद लाए हैं कि वो नबास कायम करें ये ताक़ीदी हुक्म है अल्लाह अल्ला हज़रत महम्मद वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप मेरे बंदों को मुसलमानों को तबाश कायम करने का हुक्म दे दीजिए तबाश कायम करने से मुराद है कि नमाज़ खुशु व ख़ुद के साथ पढ़ी जाए तबाब शरात का ख्याल रखते हुए तबाश अदा की जाए अव्वल वक्त में पढ़ी जाए और बर्थ हजरात बाजबा तबाज़ की अदायगी करें फिर कहा जा रहा है वोफ़ी को ममा रजक ना हम सरम अलानी कबलीमिलाई ही वला ख़िला जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से वो ख़र्च करते रहें खुफ़िया और अलानिया इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई ख़रीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी अब अहल ईमान को वसत कल्बी और दूसरों के लिए हमदर्दी और ख़ैर ख्वाही पैदा करने के लिए इन्फाक करने का हुक्म दिया जा रहा है जब इन्फाक किया जाता है अल्लाह की में ख़र्च किया जाता है तो दिल खुलता है यहाँ रिस्क से मुराद सिर्फ रुपया पैसा माल नहीं है बल्कि इससे मुराद हर चीज़ है किसी को अल्लाह इल्म दिया किसी को अक्लो समझ दी वो अच्छे फैसले करता है जो वक्त इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह की राह में वो भी रिस्क होता है बालो सबाब और जो भी सलाहियतें हैं हुनर हैं वो सब रिस्क है जो हम दूसरों को बांटते हैं कहा जा रहा है इंफाक मौका महल के मुताबिक छुपा कर भी करो और ज़ाहिर करके भी करो तुरिया बे अपने हाथ से जक़ात निकालो सदको खरात करो और आखरत के लिए अजर स्वाब जख़ीरा करके चले जाओ ये नहीं कि ज़कवात फर्ज है लेकिन आप नहीं दे रहे माल के अंबार लगा लिए इतने बख़ील हैं कि अपनी भी ज़रूरतों पर खर्च नहीं करते अपने घर वालों की ज़रूरतों पर खर्च नहीं करते क्या लेके जाओगे कब्र में अजर सवाब नहीं गुनाहों का अंबार तो कहा जा रहा है कि अभी इसको दो अपने हाथों से बांटो निकालो ताकि आख़रत के लिए अजर सवाब जखीरा करो क्योंकि क्यामत के दिन कोई तजारत नहीं होगी कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कोई बालो दौलत कोई सिफारशी काम नहीं आएगा उस दिन सिर्फ़ एक ही चीज़ काम आएगी और वो है इस दुनिया में ईमान की हालत में किए गए मसनून अमाल नेक अमाल और कुछ लोग जो है, उन्होंने हैं उन्होंने मुख्तलिफ मबूद घर रखे हैं कि जी ये हमारी सिफारिश करेंगे ये हमारी शिफात करेंगे हमारा पैगम्बर हमारी शिफात करेगा तो ऐसा भी कुछ नहीं है अगर होगी भी तो अल्लाह के इज़न से होगी लिहाजा आज अमल करना है हमने इन शाह आख़रत के लिए आज हमने कुछ ना कुछ जख़ीरा करना है दुआ है तला हमें आखरत की तैयारी करने की बेहतरीन तोफ़ी तःफरमाए आमीन आय तब थर्टी टू है الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ترجمة هي وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سے بارش برسا کر इसके जरिए से तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले हैं और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि में से चलें। फिरें इसी, उसी ने, ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी सबसे पहले कहा जा रहा है अल्लाहती रिज्ला वो अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसबारो और ज़मीन को और उतारा आसमान से पानी फिर निकाला उसके ज़रिए से फलों की शक्ल में तुम्हारे लिए रिस्क तस्कीर बिल अल्लाह का जिक्र है अल्लाह सुबहाना ताल की नेमतों का जिक्र करके अल्लाह सुबहाना ताल की यहाँ मार्फत करवाई गई है पहचान करवाई गई है ताकि इंसान जो है वो बना की ना शुक्री और ना कदरी से बचे अल्लाह के शर्क ना बनाए अल्लाह को वो अल्लाह की जो नेमतें हैं उन पर गौर विक्र करे उसे पता है इंसान को कि खालिक मालिक रासिक तो अल्लाह है वो बारिश बरसाता है आसमान से आसमान भी उसने बनाया ज़मीन पर बारिश बरसती है ज़मीन भी उसने बनाई और ज़मीन से फिर ये सारी फसलें फल सब्जियाँ क्या क्या नबाता उगती हैं ये भी अल्लाह ही ने सब कुछ किया तो फिर वो कैसे इसमें दूसरों को शरीक ठहरा लेता है जानता है खालिक मालिक राजिक अल्लाह है फिर अपने मबूदों के आगे क्यों माथे टेकता है उनकी क्यों इबादत करता है उधर क्यों चढ़ावे चढ़ाता है अल्लाह के रिस को उनके नाम से क्यों बांटता है मजीद नेमतों का जिक्र है व शख और को मिल फुल्का ली तजरिया फिल बी भी अमरी ही व शख और अनहार और कश्तियों को तुम्हारे लिए मुशर कर दिया है ताकि दरियाओं में उसके हुक्म से वो चले फिरें उसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं यानी अल्लाह सुबहाना तला ने कायन की हर चीज कहा जा रहा है तुम्हारी खिदमत पर लगा रखी है अल्लाह ने तिजारत के लिए तुम्हारे माश के लिए तुम्हारे सफर के लिए समंदर और दरिया तुम्हारे लिए मुसखर कर दिए हवाएं मुसखर कर दीं जो तुम्हारे मनो बड़े जहाज़ों को कश्तियों को लिए इधर से उधर जाती हैं तुम भी उसमें सवार होते हो ये सब कौन कर रहा है ये सब नेमते किसने तुम्हारे लिए एक जाल फैला दिया नेमतों का अल्लाह सुबहाना ताला ने फिर कहाँ से बहग जाते हो उस अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना मबूद बना लेते हो अल्लाह का हमसर ठहरा लेते हो आयत थर्टी थ्री है को कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है अल्लाह सब कायन में बिखरी दीगर निशानियों के बारे में बता रहे हैं इतनी बड़ी निशानियाँ जिनके बगैर इस दुनिया में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता था और वो है सूरज और चांद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला ने उन्हें भी मुसलसल इंसान की खिदमत पर लगा दिया है वो लगातार गर्दिश कर रहे हैं और इन ही की गर्दिश की वजह से दिन रात और मुख्तलिफ मौसम जो हैं वो आते जाते हैं कायनात की हर चीज़ अल्लाह बा मकसद बनाई है कोई ना कोई उसके बनाने का मकसद होता है और हर चीज़ अल्लाह की इताद भी कर रही है लिहाजा ये कैसे मुमकिन था कि जिस इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात की बेशुबार नमतें बनाई, और इंसान को भी अशरफुलमखलूक बनाया और कायनत की हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद था और ये इंसान जो है इसकी ज़िंदगी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना हो ये कैसे हो सकता है लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानना है कुरान की आयत पर गौरव फिकर करना है और कायनात में बिक्री निशानियों पर भी गौरव फिकर करना है इन निशानियों पर गौर विकर करेंगे तो हम अल्लाह को पहचानेंगे हमारे अंदर शुक्र आएगा अल्लाह का अल्लाह की कदरदानी आएगी हमें यकीन हो जाएगा कि इनको कोई और नहीं बना सकता हमारा रबी इनका खालिक मालिक राजिक और मदब्बिर है लहजा इन्हें छोड़ कर हम अल्लाह को क्यों अल्लाह का हमसर बनाए आयत थर्टी फोर बे है व आता तर्जा है और उसने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुमने उससे मांगा और अगर तुम अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे यकीनन इंसान बड़ा ही ज़ालिम और बहुत नाशुकर है सबसे पहले कहा जा रहा है वह आता माँ साल तुम और उसने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुमने उससे मांगा बुरात है कि अल्लाह तआला ने वो हर चीज़ हमारे लिए तख्ली की है जिसका तकाजा हमारा वजूद करता है ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए जिन चीज़ों की एक इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है अल्लाह ने सब महिया मुहैया कर दी हैं देखे इंसान को तो शौर ही नहीं है ना कि उसे कब किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी लेकिन अल्लाह सुबहाना तो खालिक है मालिक है राज़िक है गैब है अपने बंदे के दिलों के जो भी उसके ख्यालात हैं जो भी दिलों में राज हैं सब जानता है उसके क्या जायके हैं, क्या पसंद है क्या नापसंद है सबसे वाकिफ़ है अल्लाह सुबहाना ताला को पता है कि किस बंदे की क्या ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरतें इसको बाद में दरपेश आ सकती हैं सब ज़रूरतों को पूरा करने के सब असबाब और जो भी नतज होते हैं अल्लाह पैदा कर दिए हैं हमारे जिस्म को जिन विटामस की और दीगर वज़ाइत की ज़रूरत होती है अल्लाह ने बिन मांगे ही उन सब को हमारी खुराक में रख दिया है एक बच्चे को माँ के पेट में क्या क्या ज़रूरत होती है सब अल्लाह ने वहाँ मुहैया कर दिया पैदा होने के बाद सबसे पहले उसे क्या चाहिए होता है वो भी अल्लाह ने पैदा कर दिया व इन तऊद नियमत ला तो सूह कफ़ार और अगर तुम अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे यकिन इंसान बड़ा ही ालिम और बहुत नाशुक्र है अल्ला ने हमारी ज़रूरत की हर हर चीज़ पैदा की है कहा जा रहा है इन बेशुमार नियमतों को अगर हम गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते लेकिन फिर भी इंसान बड़ा ही शुक्र है इतनी नेमतों के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता बल्कि शिर करता है अल्लाह की दी गई नेमतों को गैर अल्लाह के नाम पर नजर व न्यास करता है उसके गैर अल्लाह के नाम पर जानवर जबा करता है और अल्लाह की दी गई हलाल नेमतों को हराम कर लेता है नेमते अल्लाह देता है लेकिन शुक्रगुजारी गुजारी अगर अल्लाह की कर लेता है जो मबूद बनाए हैं जिंदा पीर या कब्रों में पड़े हुए वहाँ पे माथे टेकता रहता है अल्लाह की सख्त ना कदरी करता है बहुत ही ना शुक्री करता है अल्लाह ताला हमें अपनी सही मार्फत अता फरमाए हम अल्लाह ताली की सही शुक्रगुजारी और कदरदानी करने वाले बन जाएं आमीन अल्ला आमीन होमवर्क नोट कर लीजिए सवाल नंबर एक आज की आयत का तर्जुमा रूट वर्ड्स और वाद जमा बताइए सवाल नंबर दो इसम को पहचानने की अलामत बताइए हबारा अरबी अरबिक्रैबर का लेसन नंबर छः है टॉपिक है इसम फेल और हर्फ की पहचान वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है देख लीजिएगा सवाल नंबर तीन दुनिया में रहते हुए इसको कैसे गुजारना चाहिए हदीस की रोशनी में बताइए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो देख लीजिएगा सवाल नंबर चार काफरों के अमाल राख की तरह बेवजन क्यों होंगे आयत नंबर अठारह सवाल नंबर पाँच अल्लाह सुबहाना ताल नाफरमानों के साथ क्या मामला फरमाता है आयत नंबर उन्नीस सवाल नंबर छः मुश्किन के मबूद क्यामत के दिन अपने इन पैरोकारों को क्या जवाब देंगे आयत नंबर इक्कीस सवाल नंबर सात क्या शैतान हमसे ज़बरदस्ती अपनी पैरवी करवा सकता है आयत नंबर बाईस सवाल नंबर आठ कलमा तयबा को किस की मानद करार दिया गया है दोनों में क्या मुमासलत है आयात हैं चौबीस और पच्चीस सवाल नंबर नौ कलम खबीसा को किसकी मानद करार दिया गया है दोनों में क्या मुमासलत है आयत नंबर 26 सवाल नंबर 10 बिल कौल से क्या मुराद है? आयत नंबर 27 सवाल नंबर 11 मुनकरीन हक का क्या अंजाम बताया जा रहा है आयत नंबर 28 और 29 सवाल नंबर 12 अहले ईमान को क्या ताकीदी احکامات دیے جا رہے ہیں ایت نمبر ہے 31 सवाल नंबर 13 अल्लाह स्वानताला की किन नेमतों का जिक्र हो रहा है? आयत हैं 32 और 33। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुबहानकअल्लाह हुमा वाबी हम्दी का, नशादुल्ला इलाह है इल्ल अंता, नस्ताखफिरु का वा नतुबू इलाइक, वस्लमुलाइकुम व रहमतुल्लाही व बराकातु.